नमस्कार, स्वागत है आप सभी का K2S न्यूज चैनल में। मैं हूं लक्ष्मीकांत शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। फरीदाबाद में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एवियन क्रिकेट लीग द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। एवियन क्रिकेट लीग के संस्थापक अभिषेक ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष क्रिकेट प्रतियोगिता करवाई जाती है। विजेता टीम को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया जाता है। एवियन क्रिकेट लीग सीजन 2 की शुरुआत 17 नवंबर से हो चुकी है। पहली टीम महाकाल वॉरियर्स, जिसके कप्तान संदीप डाबरा और उप कप्तान अभिषेक नागी रहे। दूसरी टीम स्काई किंग्स है, जिसके कैप्टन सूर्य तिवारी और उप कप्तान दीपक शर्मा रहे। वहीं तीसरी टीम बजरंगी डिवाइन, जिसके कैप्टन गौतम शर्मा और सौरभ परिहार रहे। मैच महाकाल वॉरियर्स और बजरंग डिवाइन के बीच खेला गया। बजरंगी डिवाइन, जिसने पहले बल्लेबाजी करते हुए 167 रन की पारी खेलते हुए 17.5 ओवर में अपनी समाप्ति की, और महाकाल वॉरियर्स ने 10.3 ओवर में 171 रन बनाकर 8 विकेट से जीत प्राप्त की। प्लेयर्स ऑफ द मैच और बेस्ट बैट्समैन आशीष कुमार, बेस्ट बॉलर यश कुमार टीम महाकाल वॉरियर्स रहे। स्टार परफॉर्मेंस में विशाल, नीतेश शर्मा और शाह आलम रहे। आइए देखते हैं ब्रेक के बाद फरीदाबाद से संवाददाता गुलशन नागे की ग्राउंड रिपोर्ट। सीपी हॉस्पिटल सवाई माधोपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल, जिसमें है सभी अंगों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम। अपॉइंटमेंट के लिए आज ही कॉल करें 8239876900। लास्ट ईयर भी हमने एक एवियन क्रिकेट लीग बनाया था, तो उसके तहत हम मैच कराते हैं। तो उसमें अब हमने अभी लास्ट ईयर चार टीम्स के मैच कराए थे, जिसमें महाकाल वॉरियर्स जो है वो विनिंग टीम रही थी। इस साल भी हमने वही स्टार्टअप किया और इस साल हमने तीन टीम्स बनाकर मैच करवाया है, और जिसमें तीनों टीमों के नाम जैसे स्काई किंग्स के जो कैप्टन हैं वो सूर्य तिवारी और दीपक कुमार हैं, महाकाल वॉरियर्स के जो कैप्टन हैं संदीप डाबर और अभिषेक नागी, मैं खुद, और उसके बाद बजरंगी डिवाइंस के कैप्टन सौरभ परिवार और गौतम जी। तो ऐसे तीन टीम मैच बनी हैं। तो आज उसका पहला मैच तो स्टार्ट हुआ था। आज कितने बजे स्टार्ट हुआ आपका मैच? आज 12 बजे मैच स्टार्ट हुआ था। अच्छा, और ये खिलाड़ियों के नाम क्या है? खिलाड़ियों में आज महाकाल वॉरियर्स और बजरंगी डिवाइंस का मैच था, जिनके कप्तान महाकाल वॉरियर्स, जैसे मैंने पहले बताया, संदीप डाबर और अभिषेक नागी, और सेम बजरंगी डिवाइंस के गौतम शर्मा और सौरभ परिहार थे। और ये कितने ओवर का मैच था? ये हमारा 18 ओवर का मैच करवाया था हमने। तो इसमें से जो हमारी विजय टीम रही वो महाकाल वॉरियर्स रही, जिसमें बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए महाकाल वॉरियर्स ने 8 विकेट से मैच जीता और 10-11 ओवर में ही ये मैच पूरा ख़त्म कर दिया। आज का मैन ऑफ द मैच कौन रहा? मैन ऑफ द मैच आशीष कुमार है, और उन्होंने बहुत अच्छा मैच खेला। साथ में मैच स्टार ऑफ मैच का जो हम बोलेंगे वो विशाल हैं, नीरज हैं, नितेश हैं और हमारे शाह आलम हैं। तो इन सब खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा मैच खेला। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।